हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राज्यों के प्रमुख चित्रकला और उनकी जो लोक कला है उसके बारे में होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य हैं उनकी जो चित्रकला और लोक कला है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये क्लास बेसिकली उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके का मैं वो पार्ट कराने वाला हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगर आपको चित्रकला और लोक कला से यदि प्रश्न देखने को मिलता है तो डायरेक्ट इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। आप मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए कोई भी एग्जाम्स का, अगर वहाँ पर लोक कला चित्रकला का यदि प्रश्न पूछा गया है, अगर किसी भी अभी तक की मैंने जितनी भी वीडियोज़ में स्टैटिक जी के कराया हुआ है, अगर उन सभी टॉपिक्स से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया होगा तो वो 99% वो इसी एग्ज़ाम से हमें इसी वीडियोस में आया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा राज्य है वो है, सबसे पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो हमारी चित्रकला है वो कौन सी है, कलमकारी। जो हमारी लोक कला है वो कौन सी है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कलमकारी से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से आप याद सकते हैं अंधा व्यक्ति क्या है, कलम को कार समझ लेता है, उसे दिखता है जो है नहीं तो कलम को कार समझ बैठता है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और दूसरा हमारा राज्य वो है झारखंड। झारखंड से आप याद रख सकते हैं, सबसे पहला आपको याद रखना है मधुबनी और दूसरा है मिथिला। यानी कि आपको याद कैसे रखना है, मधु जो थी वो क्या बन गई, मधुबनी मिथिला। ठीक, आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगला हमारा जो राज्य है वो है कौन सा, बिहार। बिहार में आपको याद रखना है सबसे पहले आपको जादो पाटिया और दूसरा आपका पेटकर, इतना आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटका। कर्नाटका में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको कर्नाटका से याद रखना है रंगवाली कसूती, दो यहाँ पर आपको लोक कलाएँ यहाँ की याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य है जो कौन सा है वो बेसिकली हमारा राज्य होने वाला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है गुलेर और कांगड़ा। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है कालीघाट और अल्पना, दो आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य है वो है लखनऊ। लखनऊ की जो है सबसे एक ही आपको याद रखनी है वो है चिकनकारी। चिकनकारी अगर लखनऊ में यदि आपसे यूपी में से अगर कोई भी लोक कला पूछी जाती है तो कौन सी पूछी जाती है, वो है चिकनकारी। अगला जो हमारा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ की लोक कला आपको याद रखना है सुरैती और नौरता, दो आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी याद रखनी है, और आपको याद रखना है मोरते और एक आपको याद रखना है तिलंगा, दो और आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो राज्य है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है वली या वारली। अगर वली भी आपको आता है तो इसको वली भी कहते हैं और कई 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 जगह इसको वारली भी कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है वली आता है तो वली पे आप लगाएंगे महाराष्ट्र, वारली आता है तो वारली पे लगाएंगे। अगला जो है वो है रंगोली। अगला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, ओडिशा। ओडिशा में आपको क्या याद रखना है, ओडिशा का आपको याद रखना है पट्टचित्र और दूसरा आपको सौरा, दो आपको याद रखना है ओडिशा से। अगला जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में आपको याद रखना है पिथौरा और आथिया, दो आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में आपको तीन याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है फड़, दूसरा मंडाना और तीसरा लघु। लघु फड़ मंडाना इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और दूसरा आपको अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको याद रखना है कोल्लम और तंजौर, कौन कौन से याद रखना है आपको, कोल्लम और तंजौर। पंजाब में आपको याद रखना है फुलकारी। और जो हमारा कलमकारी था वो कहाँ का था, कलमकारी जो हमारा है वो कहाँ का है, कलमकारी अंधा क्या समझ, कलम को क्या कहता है, कार कहता है,
इस प्रकार आंध्र प्रदेश का हमारा कौन सा है, वो है कलमकारी। और फुलकारी कहाँ का है हमारा, वो है पंजाब का, आपको याद रखना है। अगला जो राज्य है हमारा वो है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको याद रखना है चेरियल और निर्मल, चेरियल निर्मल, यहाँ से आपको दो ही लोक कला याद रखनी है। अगला जो हमारा राज्य है वो आपको है केरला, केरला से आपको याद रखना है कलमाजट्टू आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट राज्य थे उनकी जितनी भी लोक कला चित्रकलाएँ थी उनके बारे में हमने देख लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा है युद्ध कलाएँ हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।